अच्छा नहीं है और ये रोड इतना शानदार क्यों? मतलब रोड देखो भाई, रोड देखो, इस तरफ देख लो, इस तरफ देख लो, एकदम रोड एकदम शानदार है भाई। इधर से समझ में आया, अच्छा ये रोड युगांडा का नहीं भाई, ये रोड है चाइना। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो अभी उस वक्त आपने कल की जो वीडियो देखी थी उसमें मैं जाके सो गया था और काफ़ी लंबी सो गया भाई, 11 घंटे सो गया। आज कल तक सुबह 6 बजे निकलूंगा और 10 बज गए, 4 घंटे एक्स्ट्रा सो गया। चलो कोई नहीं, नींद भी जरूरी थी। मैं और ब्रेड भाई सब दोनों सो गए, वो भी सो जा रहा, मैं भी सो रहा, किसी ने किसी को उठाया नहीं। तो ये है और हमारी कार ये है। कार के बारे में मैं आपको बताया नहीं था कि हम लोग कितने वगैरह पे कर रहे और कितने में रेंट किया। तो बेसिकली भाई साहब, हम लोग कार को कंपाला में हम लोग रेंट किया था और हम लोग इसके लिए पे कर रहे हैं अराउंड 4000 रुपये के आसपास रोज का। हाँ भाई, कार कंपेयर तो करें तो बहुत सारी कंट्रीज महंगी तो है, लेकिन जो रीजन इसका ये है कि ये 4x4 कार है और इसी कार को आप सफारी के लिए जा सकते हो। अगर अफ्रीका आए हो तो सफारी करना बनता है भाई, सारे लोग अफ्रीका आते हैं सफारी करने के लिए। तो हम लोग ये कार लेके आ गए सफारी करने के लिए। अब सफारी मतलब जो जंगलों में जाएंगे, और जंगल मतलब जो नेशनल पार्क होता है यहाँ का, उसके अंदर जाके जानवर खोजेंगे। उसमें सारी मैंने सुना यहाँ पे जिराफ ही हैं, काफ़ी टॉल होते हैं, वो जाके देखना था आज। वैसे जिस हथियार में रह रहा था रात में, जो मैंने दिखाया था रात भर, मेरे मच्छर ने काफ़ी तंग किया यार। उसके बाद वो कीड़े मकोड़े मेरे शरीर पर मतलब आके बैठ रहे थे, डर लगा, तो ऐसे कर रहा था मैं। लेकिन किसी तरह सो गया, फिर सोने के बाद पता नहीं चला कि किसने कौन आया नहीं आया। सोने में 1 घंटे लग गए मुझे क्योंकि इतने सारे कीड़े मकोड़े थे। लेकिन अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट फ्री है तो जाके ब्रेकफास्ट इन्जॉय करता हूँ यहाँ पे जाके। ये वाला प्लेस है, सुबह अच्छा दिखता है, रात को कुछ ज़्यादा ही अंधेरा दिखता है अफ्रीका, और सुबह सुबह एकदम काफ़ी शानदार दिखने लगता है। तो ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या मिला है नहीं मिला है। व्हाट इज ब्रेकफास्ट, व्हाट इज फॉर ब्रेकफास्ट? बनाना या भाई केला मिल रहा है, थोड़ा सा कुछ रोटी चपाती टाइप का है बस। भाई साहब इसी के काफ़ी पैसे ले लिया है इन लोगों ने, यहाँ का ब्रेकफास्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। तो भाई यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी है, इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है। हालांकि हम लोग गेट पे आ गए हैं और हम लोगों ने टिकट लिया, और टिकट की कीमत पड़ी $20 पर पर्सन एंड 30,000 सेलिंग फॉर द कार। सो मैं जब ठीक डील था, तंजानिया के सरगटी से काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। तो कितने हो गए, 20,000 हो गए, 1400 रुपये मेरी एंट्री फी, 1400 रुपये इसकी एंट्री फी, और अराउंड 500 रुपये के आसपास गाड़ी की एंट्री फी। अगर ये गाड़ी इंडिया मतलब युगांडा के बाहर का रहता तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। हालांकि जब यहाँ पर आप आते हो यहाँ आपका टेम्परेचर चेक होगा, और तब चेक करेंगे फिर आपको जाने देंगे। और काफ़ी सारे आज देखे मैंने टूरिस्ट वगैरह गए हुए हैं क्योंकि उसमें लिस्ट बनी हुई रही थी, लेकिन सारे युगांडन थे, कोई फॉरन टूरिस्ट आज तक नहीं आया है, मतलब आज नहीं आया है। और देखता हूँ थोड़ी सी कितनी रेट है, थोड़ा सा आइडिया दिखता है। उन्होंने कहा कि आपको अंदर चिंपांजी भी देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर मैंने कुछ बंदरें देखी थी लेकिन उन्होंने कहा था चिंपांजी देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अंदर। और ब्रेन भाई साहब काफ़ी बिजी हैं अपनी युगांडन फ्लैग लगाने में, इसमें लगा रहे हैं युगांडा का फ्लैग, कोशिश किया जा रहा है युगांडा के फ्लैग लगाने का। वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन वी आर डिप्लोमेटिक मिशन। अभी कैसा दिखता है भाई? एक बात इन्होंने मुझे और बताई कि प्राइस जो है काफ़ी चेंज हुआ है कोविड के दौरान। कोविड के पहले प्राइस जो थी वो $40 थी, वो घट के $20 हो गया है, तो प्राइस एकदम हाफ हो गई है। तो यहाँ पर ये सीन है, कोविड में सब कुछ सस्ता हो रहा है। तो अफ्रीका आओ, वेलकम टू अफ्रीका, और ट्रैवल करो, वेलकम टू युगांडा, क्योंकि सब कुछ सस्ता है यहाँ पर कोविड के दौरान। वेल कोविड काफ़ी मायने में पता है कितना ख़राब है और कितना हमारे देश को क्षति पहुँची है कोविड के कारण, लेकिन एज ए ट्रैवलर पता नहीं कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ मुझे नहीं हुआ, अभी ऑनेस्ट कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। सारी कंट्री जा रहा हूँ वहाँ पर कोई टूरिस्ट है ही नहीं। हाँ लेकिन अफकोर्स बहुत सारी कंट्री जाके खुली हुई नहीं है, लेकिन जो कंट्री खुली हुई है वहाँ भी सब कुछ सस्ता हो पड़ा है कोविड के कारण। तो भाई ये पार्क सेरेंगेटी से काफ़ी डिफरेंट पार्क है। इसका जो मेन रीज़न ये है कि सेरेंगेटी जो पार्क था वो भाई साहब रोड बिल्कुल बेकार था, यहाँ पे आप आराम से चला सकते हो 80-90-100, कोई दिक्कत नहीं, रोड काफ़ी शानदार है जैसे कि मैंने आपको रोड दिखाया। और दूसरी बात यहाँ पे क्या, यहाँ पे एनिमल्स नहीं है यार, मतलब ड्राइव करते हुए मुझे अराउंड 10-15 मिनट हुए हैं, मुझे सिर्फ कुछ बंदर, जिसे बैपून कहते हैं, बबून बंदर पता नहीं अलग अलग होता है क्या, मुझे पता भी नहीं था, तो वो दिखे। उसके अलावा कोई ज़ेब्रास कोई कुछ नहीं दिखा, कंगारू ज़ेब्रास कुछ नहीं दिखाया मुझे, कंगारू से दिखना भी नहीं आया कंगारू से ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ज़ेब्रास या तो फिर एलिफेंट या तो फिर जिराफ्स या तो फिर लायंस या तो फिर हिप्पोस कुछ नहीं दिखा अभी तक। लेकिन सरंगेटी में जैसे ही आपकी एंट्री लगी काफ़ी आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो अफकोर्स अगर आपको एनिमल्स बोल रहा देख रहे हैं तो आपको सरंगेटी में रिकमेंड करूँगा, थोड़ा महंगा है, रोड उतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रोड देख लो भाई, ये रोड है यहाँ पे क्या शानदार रोड है, बताओ मतलब शानदार रोड है यहाँ पे तो। लेकिन सरंगेटी में वो हाल नहीं है, सरंगेटी में रोड इतना शानदार नहीं है, यहाँ पे रोड बिल्कुल शानदार उन्होंने बना के रखा है। तो यहाँ युगांडा भी द बेस्ट प्लेस है सफारी के लिए, बट नॉट द बेस्ट, बेटर है सरंगेटी, सरंगेटी में ज़्यादा एनिमल्स है। Thank you.
कि यहाँ पे भाई पूरे युगांडा में रोड अच्छा नहीं है, और ये रोड इतना शानदार क्यों है? मतलब रोड देखो भाई, रोड देखो, इस तरफ देख लो, उस तरफ देख लो, एकदम रोड एकदम शानदार है भाई। मैं सोच रहा था ये रोड इतना अच्छा क्यों है भाई, क्या रीज़न हो सकता है? तो फिर मैंने ड्राइव जब हम लोग कर रहे थे तो धीरे धीरे समझ में आया, अच्छा ये रोड युगांडा का नहीं भाई, ये रोड है चाइना का, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन। तो मैं बोलूँगा चाइना सी सी, इसका फुल फॉर्म नाम है सी, चाइना कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन। तो भाई साहब यहाँ पे चाइना रोड बना रहा है, तो मतलब इस पार्क का रोड इतना अच्छा बनाया भाई कि आप आराम से 100-120 150 तक आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। काफ़ी शानदार रोड बना के रखा है, और अच्छी तरह से सिग्नल वगैरह दे रखा है यहाँ पे। तो मुझे भी लग रहा था यार इतना अच्छा रोड क्यों हो सकता है, तो मुझे लगा अरे ये चाइना का काम है। चाइना यार युगांडा मतलब अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, इथियोपिया में, कहीं भी चाइना अच्छा खासा काम कर रहा है। अब काइंड ऑफ ये न्यू स्लेवरी है मेरे हिसाब से, और ये सिर्फ युगांडा में नहीं, केन्या में रेलवेज बनाया, युगांडा में रेलवेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी लंबा लंबा प्रोजेक्ट है चाइना का, इस पूरे युगांडा, पूरे ईस्ट अफ्रीका में, मान चलो पूरे अफ्रीका में चल रहा है चाइना का प्रोजेक्ट। और आपको ये चाइनीज साइन आपको हर जगह मिल जाएगी भाई, यहाँ बताओ आप, यहाँ पे चाइनीज साइन देने की क्या जरूरत है आपको? यार साइंस वगैरह चाइनीज मिल जाएगी, मंदरीन वहाँ बोलते हैं। तो भाई चाइना का यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पे मैंने नोटिस की कि तंजानिया की तरह बैठे नहीं, क्योंकि भाई तंजानिया काफ़ी रॉ था, मतलब रोड खराब थी, लेकिन आप धीरे धीरे जाओगे उस रोड में, अब जाओगे धीरे धीरे तो हो सके आप एनिमल्स देखोगे। यहाँ पर रोड इतने अच्छा बना रखा है उन्होंने कि गाड़ी एकदम फर फर पार होती है, और फिर उतने एनिमल्स नहीं देख पाते हो, और यहाँ पे एनिमल्स उतने हैं भी नहीं यार काइंड ऑफ। तो थैंक्स टू तंजानिया कि उन्होंने चाइना को अपने कंट्री के अंदर ज़्यादा आने नहीं दिया। हाँ ऑफकोर्स चाइना काम कर रहा था तंजानिया में, लेकिन अभी तक सरंगटी वगैरह नहीं पहुँचा है। तो जब तक चाइना सरंगटी वगैरह नहीं पहुँचे, तब तक आप सरंगटी आके जाके देख लो, वरना आपको फिर यही वाला युगांडा वाला हाल मिलेगा, रोड एकदम शानदार रहेगी, हर जगह चाइनीज साइन मिलेगा, और फिर एनिमल्स उतने देखने को नहीं मिलेंगे, उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना फन नहीं होगा, यही तो बताना था। तो भाई चलते हैं, हम रास्ते में बात कर रहे हैं, चाइनीज में नहीं। तो भाई यहाँ की रेन 2 मिनट में खुलती है, 2 मिनट खत्म हो जाती है, तो थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है जब आप लोग वापस से जा रहे हैं। हालांकि लोग अभी काम कर रहे हैं चाइना एड्स वाले, तो आपके सामने जो लोग दिख रहे होंगे, पता नहीं बहुत ही ब्लड़ी दिख रहा है, बट या आपके सामने लोग काम कर रहे हैं अभी, इधर से लोग दिखा देता हूँ। हेलो, अब बारिश अचानक से बंद हो गई, अरे अचानक से बारिश खतरनाक वाली होने लगी थी, अचानक से बारिश बंद हो गई, ये सही है भाई युगांडा का। तो अभी हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, शायद नॉर्थ साइड में, उन्होंने कहा था एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, इस साइड पे तो बिल्कुल भी एनिमल्स नहीं है भाई, और थोड़ी थोड़ी ठंडा हवा आ रही है, वहाँ से बारिश के बाद अच्छा मौसम आ जाता है, इस तरफ तो धूप निकली हुई भाई। तो उन्होंने कहा था कि इस तरफ जाओगे तो सही रहेगा, बट आपको बताता हूँ कि क्या है नहीं है, देखते एनिमल्स देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोड इतना अच्छा नहीं बना रखा है, हम लोग जा रहे हैं फेरी क्रॉस करने के लिए, नॉर्थ साइड के जा रहे हैं इस बार, बट यार तो मैंने आपको एक बात उसमें बताया था कि आपको रोड इन्होंने इतना अच्छा बना रखा है, इसके कारण लोग फास्ट ड्राइव करते हैं, रोड डेफिनेटली ये, और इन्होंने जो लिमिट डाल रखी है वो भी 80-90-100 के आसपास की डाल रखी है, लेकिन भाई इसके चक्कर में देखो ये होता है भाई, देखो भाई क्या हो गया बताओ, पक्का एक्सीडेंट है ये। भाई ये बोल रहा हूँ कि हमारा एक्सीडेंट नहीं है, बट इसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन भाई ऐसा ही क्या बताऊँ यार, इस काइंड ऑफ रोड के कारण हुआ है, क्योंकि इतने फास्ट ड्राइव करोगे, क्योंकि रोड फास्ट है ही तो फास्ट ड्राइव करने बनता है, मैंने जो नॉर्मल स्पीड डाल रखी है, लेकिन इसके कारण क्या हो गया कि ये देखो एक्सीडेंट हो रहा है। भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं से हिट किया गया, ये पूरा ब्लड है, और फिर भाई साहब किसी तरह उठ के यहाँ पड़ा है, काफ़ी मतलब आई थिंक कल या परसों का कहानी होगा, या तो कल का कहानी होगा, और भाई से कभी उठाने के लिए नहीं आया यार, छोड़ दिया ऐसे रोड पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठाने के लिए आया ऐसे। तो भाई साहब एक यहाँ पे जो रिवर नाइल है उसके लिए पहले फेरी होती थी क्रॉस करने के लिए, नॉर्थ साइड जाने के लिए एनिमल्स देखने के लिए, अब चाइना ने भाई साहब ने एक ब्रिज बना दिया है, हम लोग ब्रिज के ऊपर से जाएंगे। थैंक्स टू चाइना, भाई ये ब्रिज है क्या भाई, और ये एक नया वाला ब्रिज बना रहे हैं ऊपर से, ये अगर देख रहे पहाड़े हो गए तो ये पुराना वाला ब्रिज अभी स्टील वाला ब्रिज है, पता नहीं काम करेगा। और भाई साहब सारा कुछ चाइनीज में लिखा हुआ, अगर आप देख पा रहे हो सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है भाई, भाई चाइना में क्या लिखने जरूरत है यहाँ पे, और ये नया ब्रिज बना रहे हैं भाई साहब, वो देखो कब तक ये कंप्लीट होता है, जाने का रास्ता है और जाने का रास्ता है, जा सकते हैं भाई। तो भाई ये स्टील ब्रिज बनाया चाइना भाई साहब ने, और भाई साहब ऊपर एक नया ब्रिज बन रहा है, और इस तरफ है रिवर नाइल, क्या शानदार व्यू है भाई बताओ, क्या शानदार व्यू है, I'm scared, don't fall in, don't fall in, my kid, my G, bhai.
Gate is closed. What's wrong? भाई ये बंद पड़ा हुआ है यार, ने बंद कर रखा है तो. Can I open it? I can't do it. Yes, so. I mean, I know where else we're gonna go. Okay. भाई जाके खोलना पड़ेगा मुझे खुद से. भाई. देखता हूँ क्या है नहीं है. ये शानदार दिख रहा है वो तो. काफी शानदार दिख रहा है. तो भाई ये है रियो नाइल. ये शानदार क्यों दिख रहा है अभी? मैंने बंद कर रखा है. कैसे खोलो यार इसे? How to open this? हाँ. भाई ये निकाल. निकल गया. अब इसे बंद कर देता हूँ नहीं तो गाली देंगे मुझे. अच्छा कैसे कैसे बंद करना है भाई इसे? तो भाई फिलहाल उन्होंने चाइना तो इन्हें ब्रिज के इस तरफ रोड तो नहीं बनाया है, बट काम प्रगति पर है और बहुत ही जल्द अगर आप एक दो साल के बाद आ रहे हो तो इस तरफ एकदम सुपर फास्ट हाईवे रहेगी पीछे की तरफ, और इस तरफ भी आप ड्राइव कर सकते हो, इस तरफ भी आप एनिमल्स को एनिमल्स की जान ले सकते हो. मुझे लगता है कि जो रियल सफारी का मतलब होता है कि उस तरह का रोड इसी तरह होना चाहिए यार. ऐसा नहीं कि तुम पूरी तरह रोड बना दिया तंजानिया या केन्या में, रोड इसी तरह रहता है सफारी का, बट ऐसा नहीं कि तुम सुपर फास्ट हाईवे बना दो जंगलों के बीचों बीच उनके घर के पास. ये चल रहा है अभी रोड हमारा, ऐसा हिसाब किताब है रोड का. वो आगे भाई साहब जा रहे हैं चाइनीज भाई साहब. वो अभी आए थे बेसिकली, वो एक पता नहीं हेड वगैरह होंगे जो काम कर रहे थे, वो कुछ अफ्रीकन के ऊपर चिल्ला रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे, समझ में नहीं आया मुझे क्योंकि वो चाइनीज बोल रहे थे. भाई साहब आप चाइनीज वाले भाई साहब चाइनीज बोल के अफ्रीकन क्यों बोल रहे हो यार? हिंदी बोल रहे, अंग्रेजी बोल रहे हो, चाइनीज बोल रहे हो अफ्रीकन, कुछ कुछ समझ नहीं आएगी उनको. और भाई साहब यहाँ देखो ये पूरा एकदम चाइना का कश्मीर चल रहा है. और भाई साहब ये बहुत बड़ा एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं भाई. एनिमल दिखा आपको? ये दिखा ये वाला. थोड़ा मैं कैमरा को जूम करता हूँ फिर आपको दिखेगा. एक सेकेंड. या दिखा ये भाई साहब. ओ थोड़ा और जूम करता हूँ भाई. ठीक है अब कुछ कुछ एनिमल्स हैं भाई, उतने भी एनिमल्स नहीं हैं यहाँ पे. और ये रोड के कसर चल रहा है, ये आप दिख रहे हो सामने. एक सेकेंड थोड़ा वो करता हूँ कम. ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे यहाँ से ब्रिज बनेगा, इसके ऊपर से रोड जाएगा, ब्रिज बनाया जा रहा है चाइना के थ्रू. चलो बनाने दो उनको, क्या कर सकते हैं. ये भाई साहब भाग रहे हैं, डर रहे हैं. देखो भाई कितने इंजर्ड होकर रोड क्रॉस कर रहे हैं भाई साहब. अब यहाँ पे सब सुपर फास्ट हाईवे बन जाएगा तो क्रॉस करेंगे क्या ये लोग, बताओ? कभी ना क्रॉस करेंगे. और कुछ इस तरफ ये है और कुछ उधर भी है. तो भाई कैमरा जूम कर दिया अपने फोन से, दो एलिफेंट दिख रहे हैं सामने, कुछ दो एलिफेंट्स हैं. सच में ये रियल सफारी स्टार्ट होती है. चलो और कुछ कुछ एनिमल्स देखते हैं. That I cannot trust you to drive on. No way. Look at this. Look at the road. I'm not trusting you to drive on this part. If you don't miss our days, we are done. So guys, this is Chana's construction. The full detail. The guys are making it. Their name is Tian Jin Ria, Zhang Jin Bin. जो बना रहे प्रोजेक्ट मैनेजर, स्ट्रक्चर मैनेजर, चीफ इंजीनियर, मेटल इंजीनियर, मेजरमेंट इंजीनियर लू काई, जांग ची चाओ, जाओ यू लॉन्ग, ये सब भाई नाम है इनका. और जो भाई साहब ऊपर चाइनीज भाई साहब बैठ के काम देख रहे थे. और भाई साहब रोड उन्होंने ऐसा बनाया है. या भाई यहाँ पे रॉन्ग साइड में चलाया जा रहा है. और यहाँ पे देखो भाई चाइनीज फ्लैग डाल रखा है और युगांडा फ्लैग, द नाइल ब्रिज ऑफ युगांडा. या पहले चाइनीज डाल रखा है, फिर इंग्लिश में. तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं एक छोटे से लॉज में. मतलब शाम के 4 बजे आए थे खाना खाना खाने के लिए, बेस अच्छा लगा तो हम लोग यहीं पर रह गए. छोटी से लाइट से मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ. तो हम लोग अब जा रहे हैं सोने के लिए. ऑलमोस्ट 10:30 बज गया है. काफ़ी नींद आ रहा है, थक गया हूँ दिन भर. आज काफ़ी कुछ चक्कर लगाया है सुबह के, काफ़ी जल्दी 8-9 बजे उठा हूँ और 10-11 बज के दिन भर चलता रहूँ. अब मैं चलता हूँ फटाफट क्योंकि भाई साहब उन्होंने कहा जहाँ पर मैं रह रहा हूँ रात को यहाँ पे भाई साहब खुद को भी आते हैं.
हिप्पो से डरना है, बस हिप्पो से हिप्पो पैसा बचा लें। Very dangerous. काफी डेंजरस है भाई हिप्पो जो कि मेनलैंड पे रहते हैं। Any hippo that's out of the water, any hippo walking on land, very dangerous. If you see one, stay far away. They can run so fast. Very dangerous. And they told that they can every single day. Yeah. Every day. They said in that corner. जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहीं पे आ रहे हैं भाई। About 10 meters, 20 meters, but like sit over there. You can tell. They're very loud eaters. Yeah, काफी तेज खाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। आशा करना कि हिप्पो नहीं आया, रात को कुछ हो नहीं, वरना अगला वीडियो नहीं आ रहा। यही वीडियो भी खौफ होता है, अगर हिप्पो ने कुछ किया तो अगला वीडियो नहीं आ रहा, अगर हिप्पो ने कुछ नहीं किया तो अगला वीडियो आएगा। तो अगले वीडियो का इंतजार जरूर करना। फिलहाल इतना ही भाई, दस दानिया, गुड नाइट। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम में नॉमेट शो करके फॉलो कर लेना।